अलैकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे, स्कूल बैग, कॉलेज बैग। इस तरह से देखें, इस तरह से एक पॉकेट रहेगा, एक पॉकेट यहाँ पे रहेगा, एक पॉकेट ये साइड रहेगा। ये देखें, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैग बनाने का पूरा मेजरमेंट देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने मेन फैब्रिक ली हूँ, ये रबर शीट ली हूँ और एक लाइनिंग वाला पीस रख कर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देखें इस तरह से, ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने 14 इंच ली हूँ, 14 इंच, और इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली हूँ। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ पे हल्की सी शेप में कटिंग करेंगे। इस तरह इसकी कटिंग की। अब हम जो दूसरा पीस जो हम रेडी किए, सेम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, ये मैंने एक पीस रेडी की हूँ, फॉर्म शीट और मेन फैब्रिक, और पीछे भी मैंने यही फैब्रिक का इस्तेमाल किया हूँ। इस तरह से मैंने इसे रेडी की हूँ। ये हम पॉकेट बनाएंगे। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो 14x12 ये मैंने ली हूँ। इसे देखो, मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे हम। इसके लिए जो मैं ज़िप ली हूँ, ये देखो 11 इंच का मैंने ज़िप ली हूँ। ये पीस ली हूँ मैंने कपड़े का, इस तरह से इसे कटिंग करी हूँ। अब यहाँ पे हम इस तरह पे सीधे पे सीधा रखेंगे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा सिलने से पहले हम रनर इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसे सीधे पे इस तरह से रखेंगे ऐसे, और यहाँ स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ रनर इंस्टॉल करने के बाद। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, ये देखो यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद इसे खोलने के बाद इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ज़िप लग गया। अब ये जो है हमारा पीस है, एक एक्स्ट्रा पीस लेंगे हम इस तरह पे, सीधे पे सीधा रख के इस तरह से यहाँ पे स्टिचिंग करके इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद एक टॉप स्टिच करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा एक पीस है उसे इस तरह से रख कर हम यहाँ पे इस साइड से, ये दोनों साइड से स्टिचिंग करेंगे, फिर हमारा एक पॉकेट यहाँ हो जाएगा। ये देखो, इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे 1 साइड 2 साइड, ये दोनों साइड ही स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ये पॉकेट और एक पॉकेट यहाँ पर, ये देखिए पॉकेट इधर साइड बना। ये देखो, ये मैंने बैग फाड़ ली और मैंने एक पीस ली हूँ, इसकी लंबाई है 14.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे इस तरह से फोल्ड करके, उसके बाद हम इस तरह से यहाँ रखेंगे और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमारी बैक साइड एक पॉकेट तैयार हो गई। ये देखो, मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली थी, इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई मैंने 28 इंच ली हूँ। अब बैक पार्ट लेंगे इस तरह से, यहाँ पे दूसरा हम यहाँ रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमने एक पीस की है इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पे 1 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे इस तरह से दोनों साइड, और उसके बाद यहाँ से इस तरह पे यहाँ इसकी स्टिचिंग करेंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैंने ये 20 इंच का ज़िप ली हूँ, ये देखें 20 इंच का है, और ये 2 इंच की 2 पट्टी मैंने ली हूँ, इसकी लंबाई भी 20 इंच की है। सबसे पहले ये देखें, ये मेन फैब्रिक है, ये रबर शीट है, ये लाइनिंग पीस है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे 2, और एक लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे और इस तरह से पूरी स्टिचिंग करेंगे, और सेम ये इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम सेम इसी तरह से 2 मेन फैब्रिक और रबर शीट यहाँ पे रखेंगे,
और ये जो है लाइनिंग वाला पीस ये हम इस तरह से रखेंगे और इसकी यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम एक टॉप स्टिच भी कर देंगे, फिर रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये मैंने बेस के लिए ली हूँ, इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई मैंने 34 इंच ली हूँ। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे, एक इस साइड से और एक इस साइड से। उसके बाद हम ये यहाँ पे इस तरह से सिलाई करेंगे और दूसरे पीस को हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे रेडी करेंगे। मैंने रनर इंसर्ट कर ली हूँ। अब जो हमारी बेस वाली पट्टी है ये देखें, सबसे पहले हम इसको यहाँ से इस तरह रखेंगे और ये जो लाइनिंग वाला पीस है इसे नीचे से रखेंगे इस तरह से, इसकी स्टिचिंग करेंगे, दोनों साइड इसी तरह सिलाई करेंगे। वो हम बेस वाला ये पट्टी रेडी किए हैं, अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से पूरा हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे जो हमारा ये है यहाँ पे इस तरह पे निशान लगा के हम पूरी गोलाई में इसकी स्टिच करेंगे। ये देखो ये मैंने एक स्टिचिंग कर ली हूँ। अब दूसरा जो हमारा ये फ्रंट है, सबसे पहले हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से और ये जो हमने निशान लगाए थे शुरू में यहाँ से लेकर इस तरह से इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। देखो मैंने दोनों साइड इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ, ये देखो फिनिशिंग के साथ। अब हम इसे सीधा करेंगे, देखो इस तरह से हमारी एक पॉकेट यहाँ बनी, एक पॉकेट यहाँ पे, ये देखो इस तरह से यहाँ पे अंदर एक काफ़ी स्पेस वाली पॉकेट है और एक ये पॉकेट। इस तरह से हमारा ये बैग रेडी हो गया। ये देखो ये स्ट्रैप, ये देखिए